और सबसे ज्यादा मजा फिर सेकंड हाफ में ही आया बहुत जब वरुण धवन काफी ट्रोलिंग चल रही है कि आदि पुरुष के वीएफएक्स खराब है, ऐसे खराब है, वैसा खराब है। इस मूवी के वीएफएक्स एंड विजुअल इफेक्ट कैसे रहे? सबसे पहले जो एनवायरनमेंट को डिजाइन किया गया, जो नेचर के बारे में कहा गया कि आपको आखिरी में सेफ एनवायरनमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर नेचर है तो हम है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये बताया गया है उसमें। और वीएफएक्स की बात करूँ तो नॉर्मल वीएफएक्स अच्छे हैं, क्योंकि हर पूरी मूवी वीएक्स पर में भरी रहती है तो वो घटिया लगती है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। ब्रह्मास को बोला गया था कि वो पूरी ऐसी थी नहीं, लेकिन उसमें जो था ना वो फ्यूचरिस्टिक रोल था, क्योंकि हॉलीवुड बहुत टाइम पहले बहुत आगे जा चुका है और हम जो है बहुत टाइम से पीछे, तो हमारे इंडिया भी बहुत मेहनत कर रहा है कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी एक हॉलीवुड टाइप से पेश कर सके। और सबसे ज़्यादा बेस्ट तो मुझे वही लगा कि आखिरी में थोड़ी बहुत लव स्टोरी लगती है, एंड हमने तो पहले ही गेस कर लिया था कि अनिका है। अच्छा, इस फिल्म में आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं स्त्री का भी रोल होना था? स्त्री का रोल देखो वो उस बंदे को देख कर जो वरुण धवन का भाई था जेडी, उसको देख के तो लग रहा था कि होना चाहिए, और आगे लग रहा है कि फ्यूचर में ये तीनों आएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंड ये जो यूनिवर्स है लाइक स्त्री का, रूही का और भेड़िया का, अगर मैं स्टार दूँ स्त्री, रूही और भेड़िया, तो आपको तीनों में से सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी? भेड़िया। अभी देखने के हिसाब से मैं अभी टोटली जज नहीं कर सकता परमानेंटली, लेकिन हो सकता है कि मुझे भेड़िया से भी ज़्यादा अच्छी पसंद आ सकती है। भेड़िया के रूप को धारण करते हैं तो मतलब कि वो विजुअल इफेक्ट कैसे लगता है? वो बहुत ही तगड़ा रहता है, और सिंपल सी बात है देख के तो हमारी खुद की गांड फट गई थी। ये पहला बंदा जिसको मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, लड़कियां पता नहीं कहां घुसे हुए थे, है ना। मैं गाने कैसे थे? गाने भी बहुत अच्छे थे, और सबसे मैं आखिरी सॉन्ग का वेट कर रहा था, पापी पेट मर रहे हो क्यों खा मखा, भले वो सॉन्ग ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट वो मेरा फेवरेट था, मेरी खुद की रिंगटोन है बस। अच्छा, कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी। अच्छा, कैसी लगी स्टोरी? हाँ, साथ में खड़ो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कैसी लगी स्टोरी? स्टोरी अच्छी थी। मजा आया फिल्म में? बिल्कुल। कहीं बोर तो नहीं हुए? नहीं नहीं, मिड में थोड़ा सा बोर हुए थे, बट एंडिंग अच्छी थी। एंटरटेनिंग थी। हाँ जी। आउट ऑफ 10 कितने स्टार देंगे? 7। थैंक यू बाबा। हो ना, आ जा रहे हो। कैसी लगी फिल्म? अच्छी थी। अच्छी, मजा आया फिल्म में? हाँ। कैसे लगा वरुण धवन सर? कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत कॉमेडी, बहुत सही है। थैंक यू। मैम कैसी लगी? बोर तो नहीं हुआ? क्या अच्छा लगा फिल्म में? स्टोरी, ड्रामा, एक्शन, स्टोरी मजा आता है। अरे आ जाओ, यहीं से आना पड़ेगा। अरे आ जाओ सर, कैसी लगी फिल्म? बहुत ही बकवास। क्या बकवास? अरे आ जाओ, आ जाओ, क्या बकवास लगा फिल्म? क्या स्टोरी? क्या अच्छा नहीं लगा? स्टोरी बहुत ही खराब। हाँ। अच्छा, वरुण धवन की एक्टिंग अच्छी थी। अच्छा, फिल्म को कंपेयर करें स्त्री से तो वो ज्यादा अच्छी थी। इससे स्त्री से स्त्री ज्यादा बेटर, स्त्री ज्यादा बेटर। अच्छा, इसमें केमियो दिखाया स्त्री का? लास्ट में स्त्री से रिलेट कर लास्ट में रिलेट किया। अच्छा, मजा आता फिल्म में। हाँ। आउट ऑफ 10 कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 10 में 6। भले ही बंक मार का आया, लेकिन माँ बाप नहीं देखते हमारा चैनल, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दे सकते हो रिव्यू, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, फुल एंटरटेनिंग थी मूवी? एक्चुअली स्टोरी बहुत ही खराब थी, कोई सस्पेंस नहीं था, मतलब कोई कॉमेडी कैसी थी मूवी? कॉमेडी अच्छी थी, अच्छी थी। अच्छा, सबसे अच्छा रोल किसका था? सबसे अच्छा रोल इसी का, वरुण का ही है, और कुछ तो था, सब तो राइट कैरेक्टर को मतलब ओवरऑल अच्छे थे। हाँ, ओवरऑल अच्छी नहीं बोल सकते। आउट ऑफ 10 7 स्टार। थैंक यू। अरे आना यहीं से पड़ेगा। सर कैसी लगी ये? सर अच्छी नहीं। अच्छी नहीं? क्या अच्छा नहीं लगा तुम्हें? सर्दी से ना हॉट नहीं लग रही थी इसलिए अच्छी नहीं। ये भी एक पॉइंट है, बोला मेरे से बड़े बाल थे उसके। मतलब ये इनके अंदर का मतलब वो जो भी था देख के शांत हो गया। ऐसा फुल कपड़े पहने थे ना? अच्छा, फुल कपड़े देखा अंदर की हवस बाहर आ रही है। बिल्कुल भी नहीं था, पकाना जाना था, अच्छा बोला था मैंने, वैसे मजे नहीं आया। बिल्कुल मजे नहीं आया। स्टार देखे फिल्म को? 10 में से 10 में सर 3 भी क्यों दे रहा हूँ मैं सर? कौन सा चैनल है ये? अच्छी लगी तो
मूवी ठीक है, कॉमेडी बढ़िया है, जैसे चना का रोल उन्होंने किया तो वो तो उन्होंने वेल परफॉर्म किया, लेकिन स्टोरी काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी। मतलब VFX कई जगह क्रैक हो रहे थे, मतलब जैसे उसके गर्दन पर जब लास्ट टाइम वो आता है ना, वो जंगल अच्छा, में आता ऐसा लगा कि कभी मैं भी भेड़िया बन जाऊं, मेरे बंपर भी काटे। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा तो फील ही नहीं आया। बुलबरी देख के लगता था निकले इधर उधर से काटे निकले तो क्या ही काम के है। मतलब मजे के लिए, कॉमेडी के लिए देखें तो मजा आया, बाकी मैंने स्टोरी देखने जाए तो काफी प्रेडिक्टेबल है। नॉर्मल क्या इंटरेस्टेड, ज्यादा इंटरेस्टिंग फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ? इंटरेस्टिंग मेरे को कॉमेडी थोड़ी अच्छी लगी, तो फर्स्ट हाफ मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बाकी आखिरी प्रेडिक्ट करते जाऊंगी ये होने वाला है। पहली प्रेडिक्ट आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 5 कैसी लगी फिल्म? अब गेस व्हाट कि तुम्हारी लाइफ में कोई भेड़िया आ जाए वरुण धवन की शक्ल में तो तुम क्या करोगी? अरे बाहर नहीं जाना है। कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी फिल्म? जंगल के सीन सुंदर थे। अच्छा बस वो हां ठीक ठाक थी। सॉन्ग कैसा लगा? जंगल बात चली है, पता चला फनी था। चड्डी पहन के फूल को लोअर पहन के फूल मिला नहीं, देखने से पहले प्रेडिक्शन कर दिया था। अच्छा आपको अच्छी नहीं लगी फिल्म? अच्छी थी। इतना कंफ्यूज क्यों? सिलेबस के बारे में थोड़ा पूछ रहा हूं। मैसेज अच्छा था। मतलब मैसेज क्या था? भेड़िया बन जाओ। नहीं, सेव एनवायरनमेंट। अच्छा सेव एनवायरनमेंट फिल्म में भी यही दिखाया? हां अपन ने करा सेव एनवायरनमेंट, ये भी घर जाके कागज के रॉकेट बनाएगी। आउट ऑफ 10 कितने स्टार्ट हो गए? 6 ओके थैंक यू सर। कैसे लगे? बहुत प्यार। कैसे लगे वरुण धवन? हाँ बहुत मजा आया। हाँ बहुत मजा आया। हाँ सबसे अच्छा क्या लगा? कॉमेडी ड्रामा एक्शन क्या अच्छा लगा? उसका कॉमेडी भी अच्छी लगी और जो लास्ट में था और उसका रैप सॉन्ग्स जो थे बहुत प्यारे थे। अच्छा जंगल वाला सीन कैसे लगे? वो बहुत VFX बहुत अच्छा था। देखी आपने 2D में? 2D ओके। मतलब 3D वाले इफेक्ट लगे आपको कि 3D में देखे? हाँ अच्छा मजा आता फिल्म। हाँ अच्छा मूवी के अंदर कोई तगड़ा विलन भी बताया कि नहीं बताया? तगड़ा विलन वो खुद ही है ना, उसके अंदर ही दिखाया है। अच्छा खुद ही हीरो का खुद ही विलन था? हाँ। अच्छा मतलब फिल्म में दिखाया कि मतलब कौन सा वाला भेड़िया? मतलब आपको ये फिल्म स्त्री से रिलेट करती हुई दिखी? स्त्री से रिलेट नहीं। अच्छा मतलब इन फ्यूचर इन तीनों को अगर साथ में देखोगे तो मजा आएगा? हाँ मजा आएगा। कंपेयर करें स्त्री मूवी से तो बहुत ज्यादा अच्छी थी ये। अभी तो ये अभी आज ये देखी तो हाँ। घर जाकर मतलब एंजॉय स्त्री। अच्छा मजा आता। और श्रद्धा कपूर भी थी फिल्म में? नहीं थी, छोटे से रोल में थी ना। केमियो था? नहीं था। डायरेक्शन वो तो अच्छा। डायरेक्शन को कितने स्टार दोगे 10 में से? फर्स्ट स्टार वरुण धवन की एक्टिंग को? वरुण धवन का देखना बहुत प्यारा लगेगा। मजा आ रहा था। मतलब आपका ध्यान कृति सेनन पे नहीं था, मैं इसे क्या समझूं? अच्छा आउट ऑफ 10 कितने स्टार देंगे? 8 सर। आ जाओ। क्या बात है। अच्छा फिल्म में वरुण धवन के अलावा कोई हाईलाइटर एक्टर? हाईलाइटर एक्टर आई गेस सो, क्योंकि जैसे जब हम स्त्री मूवी देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए जहाँ पर राजकुमार राव नहीं होते हैं वहाँ पर भी फिल्म में मजा आता है। जैसे लाइक वो पेट्रोल खत्म होने वाला सीन था जहाँ अपार शक्ति खुराना उनके दोस्त थे तो उस फिल्म में मजा आता है। इसमें वो मजा आता है जहाँ वरुण धवन नहीं है वहाँ भी मजा आ रहा है? नहीं ऐसा नहीं था। पूरी मूवी जो वरुण धवन सर ने जितनी मेहनत करी हुई है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी और मुझे उनके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा नहीं। हाँ वो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में हल्की सी जो कहानी सुनाता है वो जो अनिका रहती है वो भी जो उसको बता रहता है वो बढ़िया। अच्छा स्पॉइलर नहीं देना। अच्छा लगता है मूवी 100 करोड़ क्लब में जाएगी? मोर देन क्योंकि बहुत मेहनत करी गई है। क्योंकि एक ऐसी कह सकते कहीं ना कहीं एक छोटी टाइप से हॉरर है, मतलब जिनको पता नहीं कि हॉरर होता क्या एक्चुअली, ऐसा कह सकते हैं हल्की सी हॉरर कॉमेडी बहुत अच्छी है। कॉमेडी तो आउटस्टैंडिंग है, जितना मजा आ जाएगा। पैसा वसूल लिटरेटर नहीं बोलना चाहिए, देखना चाहिए किसी को। मतलब एक बार सबको देखनी चाहिए। वन टाइम मस्ट वॉच है, तो देखना ही चाहिए। थैंक यू। ओके।